हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बिल्कुल ही डिफरेंट वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं, जो कि आप लोगों की डिमांड के ऊपर है। एक बहुत लोग डिमांड करते हैं और बहुत लोगों की डिमांड आती है, और मैंने रिप्लाई भी किया था उनका कि ये वाली वीडियो मेरी लिस्ट में है, आप वेट कीजिए प्लीज़, मैं जल्द से जल्द करने की कोशिश करूँगा। तो आज वही वीडियो है जिसका टाइटल है पार्ट वन, मोहम्मद सब के लिए का पार्ट वन, जिसका अब्दुल राशिद मुफ्त की पुणे को जो चैनल है, इनके चैनल पे ये वीडियो है और हम आज इस वाली वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं। होप आप लोगों को पसंद आएगा और हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ जाइए और हमारे नए चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि उस पर भी वीडियो हम लाते रहते हैं। और एक ही वीडियो पड़ी है क्योंकि न्यू चैनल है अभी, और इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया, उस चैनल को काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, आप लोग भी जाइए और जुड़िए हमारे चैनल से उससे। फिलहाल स्टार्ट कर लेते हैं इनकी वीडियो, आपसे फिर बातें करते हैं। आप लोग बताइएगा आपको हमारा ये वाला रिएक्शन कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। ये वीडियो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज का, जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए, उसका पहला हिस्सा होगा, पार्ट वन होगा। इससे पहले कि हम सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी को सुनना समझना शुरू करें, उससे पहले थोड़ा शॉर्टकट में मक्का मुकर्रमा की सरजमीन का बैकग्राउंड को समझना जरूरी है कि मक्का शहर कहां आबाद हुआ, कैसे आबाद हुआ, किसने आबाद किया, और साथ साथ काबतुल्लाह की तामीर कब हुई, कहां हुई और कैसे शुरू हुई और किसने की, ताकि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी हमारे दिमागों में बेहतर तरीके से बैठ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। मक्का मुकर्रमा यानी मक्का शहर आज से तकरीबन 4000 साल से भी ज्यादा पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने आबाद किया था। यही शहर बाद में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वतन हुआ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में ये एक ऐसा इलाका था जहां दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी, यानी ना कोई इंसान रहता था, ना कोई परिंदा, ना कोई जानवर रहता था, बिल्कुल काले पत्थरों से भरा हुआ ये इलाका और चटियल मैदान, ना कोई पानी, ना कोई सब्जा, ना कोई हरियाली का निशान था। मगर खुदा को इस सरजमीन को दुनिया में बढ़ाना था, इसलिए इस जमीन को आबाद करने का अल्लाह तबारक व तआला ने इरादा किया। उसने अपने दोस्त, अपने खलील, अपने प्यारे नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपने बीवी और अपने दूध पीते बच्चे को इस जमीन में पहुंचा दे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुकाया और अपने बीवी बच्चों को इस वीरान और चटियल मैदान में पहुंचा दिया। अल्लाह के खलील यानी अल्लाह के दोस्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी प्यारी बीवी और अपने मासूम बच्चे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को उस वीरान जगह पर अकेले छोड़कर चले गए। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम यहां पर हैरान और परेशान फिर रही थी, उनकी गोद में मासूम बच्चा भूख और प्यास से तड़प रहा था। अल्लाह ताला ने अपने फरिश्ते हजरत जिब्रेल अलैहिस्सलाम को भेजा, जिस जगह आज काबा है उसके करीब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जहां प्यास की वजह से अपनी एड़ियां रगड़ रहे थे, अल्लाह के हुक्म से वहां पर पानी का चश्मा उबल पड़ा। यही वो चश्मा है जो जमजम का कुआं कहलाता है। इस तरह खुदा ने इस सूखे और बंजर इलाके में पानी का इंतजाम कर दिया और हजरत हाजरा और उनका बेटा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम यहां सब्र और सुकून के साथ रहने लग गए। फिर क्या था, यहां पानी को देखकर परिंदे आने शुरू हो गए, हर वक्त परिंदों के झुंड वहां पर उड़ने लगे। इत्तेफाक से उस जमाने में एक काफला वहां से गुजर रहा था, वो काफला एक कबीले का था, वो कबीले का नाम बनी जुरहुम था, जो पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। उसने परिंदों के झुंड को उड़ते हुए देखा तो समझ गए कि यहां कहीं पर पानी मौजूद है
और ढूंढते ढूंढते वो उस कुएं के पास पहुंच गए। हालांकि ये वाकयात बहुत लंबे हैं, लेकिन यहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बताना मकसद है, इसलिए मैं ये सब वाकयात पर शॉर्टकट में और मुख्तसर अंदाज में मैं बोलकर गुजर रहा हूं। उस कबीले वालों ने यहां आकर देखा तो क्या देखते हैं कि एक अकेली औरत अपने मासूम बच्चे को लिए बैठी हुई है। तो उन लोगों ने हजरत हाजरा के पास आकर उनसे यहां रहने की और पानी इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी। हजरत हाजरा अपनी तन्हाई से घबराती थी, उन्होंने काफले वालों को वहां रहने की इजाजत दे दी और इस तरह हजरत हाजरा के बाद पहली आबादी कबीले जुरहुम की वहां पर आबाद हुई। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता और भी लोग आकर वहां पर बसने लगे और देखते देखते ये जमीन का टुकड़ा जिसको तिहामा कहते थे एक छोटी सी बस्ती बन गई। हजरत हाजरा अलैहि सलाम को यहां रहते हुए पूरे 15 साल बीत गए। उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहि सलाम भी पूरे 15 साल के हो गए और एक दिन हजरत हाजरा अलैहि सलाम का इंतकाल हो गया, वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ को जमजम के कुएं के करीब ही एक जगह दफन कर दिया। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम से मक्का आए। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको हुक्म दिया कि इस बस्ती में जिसको तिहामा कहते थे वहां पर काबे को तैयार करे जो खुदा का घर कहलाएगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटे से जब वो मुलाकात हुई मिले तो उनको ये बात बताई कि मुझे अल्लाह ने ये हुक्म दिया है कि मैं यहाँ पर एक घर बनाऊं जहाँ लोग खुदा की इबादत करें और तुम इस काम में मेरा हाथ बटाना। उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो जगह बताई जहाँ पर आज काबा मौजूद है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फौरन अपने बाप का हुक्म माना और तामीर के लिए पत्थर वगैरह इकट्ठा करना शुरू कर दिए और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दीवारें बनाना शुरू कर दी और कुछ ही दिनों में काबा तैयार हो गया जहां पर लोग खुदा की इबादत करने भी लग गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुदा के बरगुजीदा रसूल थे, तमाम उम्र लोगों को खुदा की इबादत और सीधे रास्ते पर चलने की बात करते रहे और तबलीग करते रहे, लोगों को समझाते रहे। काबे की तामीर के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो गया और अल्लाह तबारक व तआला ने उनके बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम को नबी बनाया। हजरत इस्माइल ने भी लोगों को खुदा के एक होने का पैगाम दिया और सही सही और सच्ची बात लोगों तक पहुंचाई। इस तरह मक्का में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का सच्चा मजहब फैलने लगा और अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों के दिलों में अपने पाक घर की इज्जत और मोहब्बत डाल दी, यानी काबा की मोहब्बत डाल दी और बहुत जल्दी दूर दूर तक इसकी शोहरत हो गई, एडवर्टाइज हो गई। आखिरकार 100 साल तक लोगों को सीधा रास्ता बताने वाले हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो गया। आपकी शादी चूंकि मक्का में ही हुई थी तो आपकी औलादी भी यहीं पर रहती थी, यहां तक कि आपकी औलादें इतनी बढ़ गई बाद में कि वो दूसरे शहरों में भी जाकर बसने लगी। मक्के वालों में बैतुल्ला शरीफ के इंतजाम की बहुत अहमियत थी और बैतुल्ला के इंतजाम करने वाले यानी ट्रस्टिया ने जो काबा थे वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ही खानदान के लोग थे। चूंकि वही लोग ट्रस्टी थे इसलिए काबे की चाबियां भी उन्हीं के पास होती थी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में अक्सर लोग खुदा को एक मानते थे और उसी आसमानी दीन पर वो चलते थे जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। लेकिन फिर जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा दीन में नई नई बातें बढ़ने लगी, यहां तक के काबे के करीब जो पत्थर पड़े हुए होते थे या काबे को लगे हुए होते थे लोग काबे की वजह से उन पत्थरों की भी इज्जत करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता ये इज्जत इतनी बड़ी कि लोग उन पत्थरों को अपने साथ रखने लगे और इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो औलादी थी जो उनकी नस्ल थी वो दूसरे शहरों में भी रहती थी तो वो लोग वो पत्थर को तबर्रुक समझकर बरकत की चीज समझकर अपने साथ ले जाने लगे और उन पत्थरों की भी इज्जत करने लगे जितनी वो काबे की और हजरे अस्वद की करते थे। फिर आने वाली औलाद तो एडवांस होती है, उन्होंने पत्थरों की इज्जत अपने बाप दादाओं से ज्यादा वो करने लग गए। यहां तक के बात यहां तक बढ़ गई और बिगड़ गई
कि काबा को आने के बजाय वो उन्हीं पत्थरों के इर्द गिर्द घूमने लगे, उसका तवाफ करने लगे। और ये इज्जत इतनी बढ़ गई एक वक्त में कि अरब वाले उन्हीं पत्थरों को पूजना उन्होंने शुरू कर दिया और उनकी इबादत करने लग गए, और पत्थरों को तराश तराश कर अजीब अजीब शक्लें बनाकर उनकी इबादत करने लगे। और इस तरह अरब में बुत परस्ती की, यानी बुतों को पूजना, उसकी शुरुआत हो गई। और लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का दीन तकरीबन भूल ही गए। मगर मक्का में अभी तक कोई बुत नहीं आया था। जिस शख्स ने मक्का में बुत परस्ती की शुरुआत की और बुत परस्ती को फैलाया, वो उसका नाम था अम्र बिन लुही। वो अपने जमाने में मक्का का सरदार था। हुआ ये कि वो एक दफा अपना इलाज कराने के लिए मुल्क शाम गया, जहां उसने लोगों को पत्थरों को और तस्वीरों को पूछते हुए देखा, तो उसे वो तरीका बहुत पसंद आया और वो वहां से एक बुत लेकर मक्का में आ गया और उसे बैतुल्ला में, यानी काबा में रखवाया। इस तरह पहला बुत काबा में रखा गया, जिसका नाम हुबुल था। फिर अम्र एक दिन जद्दा गया, वहां से भी वो कुछ बुत उठाकर ले आया और लोगों से कहने लगा कि इनकी इबादत करो। लोग चूंकि हर साल मक्का में हज को आते थे, तो बहुत जल्दी उन बुतों की शोहरत हो गई और लोग उनसे मिन्नतें मांगने लग गए। अरब में चूंकि सैकड़ों कबीले थे, सब ने अपने अलग अलग बुत बना लिए। जो कबीला जितना बड़ा और मशहूर था, उनके बुत उतने ही बड़े और उतने ही मशहूर हो गए। मक्का में सबसे बड़ा और मशहूर कबीला कुरैश का था। उनके बुत का नाम हुबुल और उज्जा था। और दूसरा जो मशहूर कबीला था, वो ताइफ का था, जिसका नाम सकीफ था, कबीले सकीफ। और उनके बुत का नाम लात था। उसके अलावा और भी बहुत सारे बुत थे, जिनके नाम आसाफ, नाइला वगैरह ऐसे कुछ थे। इस तरह खुदा का घर बुतों का अड्डा बन गया। इसी तरह बुत परस्ती करते हुए सदियां गुजर गई, लोगों के जहन बदल गए। अब वो खुल्लम खुल्ला बुतों को पूजने लग गए। मगर फिर भी इतनी बुत परस्ती के बावजूद बैतुल्ला की इज्जत, काबे की इज्जत उन लोगों के दिलों में थी, जैसा कि उनके बाप दादाओं के दिलों में थी और उनके जमाने में थी। लोग ऐसे वक्त में भी अपने घरों को काबे से ऊंचा नहीं बनाते थे, उसको बहुत बड़ा गुनाह समझते थे। ये वीडियो अब काफी लंबा हो रहा है, इसलिए आज हम यहीं पर रुक जाते हैं। अब हम दूसरे हिस्से में आपको बताएंगे कि जमजम का कुआं कहां चला गया, उसको किसने बंद कर दिया, कब बंद कर दिया। अब तो लोग भूल भी गए थे कि यहां पर कोई कुआं भी था। वो कैसे मिला, किसने बताया। फिर हाथियों वाला किस्सा, जो अबाबिल वाला किस्सा था, जो कुरान पाक में भी मौजूद है। उसके बाद सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने कैसी निशानियां दुनिया को बताई थी, ये हम दूसरे हिस्से में आपको बताएंगे। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत करके ये सीरीज मोहम्मद सब के लिए शुरू कर दी है। हमने अपने वादे को पूरा करना शुरू कर दिया है। आप भी अपने वादे को पूरा करें और इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों को आप जरूर शेयर करें। हम तो अपने चैनल पे डाल रहे हैं। दिए इन्होंने, हाँ, इनकी तो बहुत ज्यादा अच्छी वीडियो है, मतलब इतनी क्लैरिटी में बता रखा है इन्होंने। हाँ, समझाने का तरीका बहुत ही इजीएस्ट है, मतलब बहुत ही आसान तरीके से समझा रहे हैं। और ये जो इन्होंने पार्ट बताया है, इनकी जो ये बातें हैं और जो ये है, मतलब हिस्ट्री है, तो ये हिस्ट्री हमें अच्छी लग रही है, मतलब समझ में आ रही है कि कैसे मक्का शुरू हुआ और मक्के को किसने रखा। मतलब ये नाम तो बहुत बड़े बड़े हैं, बट हमें पता चल रहा है कि मतलब कैसे है, सीखने को मिल रहा है बहुत कुछ। और इन्होंने बहुत ही अच्छे वे में समझाया हुआ है। पार्ट 1 हमें बहुत अच्छा लगा और अब तो मतलब मन कर रहा है कि पार्ट 2 भी जल्दी जल्दी देख लें। अगर आप कमेंट करोगे तो हम पार्ट 2 भी जरूर देखेंगे। और पार्ट 1 इनका बहुत ही अच्छा था। और इन्होंने जो बताया ना हिस्ट्री, मतलब मक्का कैसे शुरू हुआ है और बुत परस्ती जो भी है, मतलब हमें इनका मीनिंग तो इतना नहीं पता, लेकिन हाँ, जो मतलब पत्थरों की पूजा, वो पत्थरों को मानना या रेस्पेक्ट करना, उनकी इज्जत करना, वो इनमें भी है मोमडन। तो हमारा तो अलग सीन चलता है, हमारा तो है मतलब, और मूर्ति होती है हमारा, तो मतलब हम उनको पूजते हैं गॉड की, भगवान की, तो ऐसा रहता है। और ये अलग है, मतलब जो भी है, हमें तो से एक ही बात लग रही है। मुझे तो जहाँ तक मुझे समझ में आया है कि मतलब एक ही बात लग रही है मुझे, क्योंकि
जो मक्का से लग के पत्थर है उनको माना गया है, उनको रेस्पेक्ट किया गया है बहुत ज़्यादा। ऐसे हमारे में भी है, कुछ डिफरेंट है। हम मूर्तियों की बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, अपने भगवान की मूर्तियों की बहुत इज्जत करते हैं और उनको पूजते भी है। तो ये बात है, सेम ही है हमारे, मेरे लिए तो सेम ही माना गया है। हाँ, और मैं तो ऐसे कंपेयर तो नहीं करता मैं कि कभी भी, लेकिन हाँ जोड़ने की ज़रूर कोशिश करता हूँ कि एक ही बात है और हम इंसानियत सबसे पहले रखनी चाहिए वैसे तो, और सबको मिलजुल के रहना चाहिए। ये वाली तो बात है और इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। और ये वाली वीडियो इतनी अच्छी थी, इन्होंने इतने अच्छे में समझाया हुआ है कि मतलब बस मजा ही आ गया। वीडियो बहुत अच्छी लगी थी ऐसे ही इनकी आज है फर्स्ट बार, मैंने पहले देखी थी ये, मतलब उस पे आते थे टिकटॉक पे तो बहुत ज्यादा अच्छे से समझाते हैं। हाँ, और बहुत ही ज्यादा मजा आया हमें इस वीडियो को देखने में। और इन्होंने कहा है कि शेयर कीजिए, आप भी प्लीज इस वीडियो को शेयर करना और इनकी ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, उसे भी आप अगर देखना चाहते हो, उसे भी शेयर करना चाहते हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखे, तो यही बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। तो और हमारी वीडियो को आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा हमें, तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए। हम तो शेयर कर ही रहे अपने चैनल के माध्यम से, आप भी किसी न किसी के थ्रू व्हाट्सअप पे या फेसबुक पे या इंस्टा पे जिससे भी आप शेयर करना चाहते हो प्लीज़ शेयर कीजिए। और हमारी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम डेली वीडियो लेके आते हैं, डेली एक या दो या तीन, मतलब डेली के डेली अपडेट आता है वीडियो का। तो आप सब्सक्राइब कर लोगे, बेल आइकन को ऑल पे कर लोगे तो हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाबे एंड टेक।